मुझ में और आप में से बकरी कौन है? हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड फेक तन्ना का एक्टिंग देखो। तन्ना उठो। एंड तन्ना इज हियर विद मी। मेरे गांव में, मेरा भी गांव है। आपका गांव नहीं है, आपकी मम्मी का गांव है। गांव में सबसे बेस्ट पार्ट इसकी, यहां पर आपको 9-10 बजे नींद आ जाती है। एंड 7-8 बजे मैक्सिमम, 6 बजे भी, 4 बजे तो उजाला हो जाता है, 6-7 बजे नींद खुल जाती है, खुद ही खुल जाती है। बोले तन्ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पर बेस्ट पार्ट इज कि ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है अभी। पापा पूछ रहे आप जा रहे हो वहाँ पे पोखरी में? हाँ जा रहा हूँ। और ये गधा देखो, इसको बीच में पता है व्लॉग कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को पूछना है। जा रहा हूँ मैं, रुक जा। एंड यहाँ पर पोखरी आ रहे हैं भरी। नानी बोल रही है चुप कर रहा ना कुछ छूट तो आपको पूछ रहे ना। एंड यहाँ पर बेस्ट पार्ट इस की हम यहाँ पर ठंडी बहुत है और गद्दे लेके सो रहे हैं देखो। और सेकंड बेस्ट पार्ट इस की जब तुम यहाँ पर उठो ना तो तुमको बाहर जाते ही जो नजारा मिलता है ना, ये देखो। वाव, इसके साथ बाहर निकलने का मजा ही कुछ अलग है विद दिस व्यू। वाव, गांव में सब कुछ इज फाइन। गांव का ठंडा पानी, ठंडी हवा, सब कुछ। यहाँ की धूप एंड पानी से ना बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड हार्ड हो जाते हैं, जिसके लिए अपने को ऑयलिंग करना ज़रूरी है। एंड मुंबई में तो मैं पता नहीं कितने दिनों में ऑयल लगाता हूँ, बट यहाँ पर आके ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तो चलो अभी ऑयल लगाते हैं। एंड ऑयल लगाने में हेल्प करेगी मेरे को तन्ना। चलो तन्ना तेल लगाते हैं बालों में। तो गाइस अपने बालों को ऑयल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वाओ स्किन साइंस का आमला हेयर ऑयल, जो कि अपने बालों को रूट से स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है एंड ड्राई एंड इची स्कैल्प को डीपली मॉइस्चराइज करता है इजीली एब्जॉर्ब होके। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि बहुत लाइट वेट है एंड बिल्कुल भी ग्रीसी एंड स्टिकी नहीं है, और 99.9% प्लांट डिराइव्ड हेयर ऑयल है। इसमें आमला एक्सट्रैक्ट के साथ साथ लेमन एसेंशियल ऑयल एंड 5 नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी है। ये ऑयल 3 पैकेजिंग में अवेलेबल है, विच इज एक पंप बॉटल जो कि 200 ml का है, एक और बॉटल जो कि 200 ml का है जिसमें कोम एप्लीकेटर मिलता है, और एक छोटू सा 100 ml का है विच इज easy to carry while traveling and comb applicator भी आता है उसमें। इसके साथ जो एक comb applicator है ना, इससे बालों पे तेल लगाना बहुत ही easy and hassle free हो जाता है। और वाओ के सारे products हमारे इंडिया में ही manufacture होते हैं and it is free from any हार्मफुल केमिकल। वाओ के सारे प्रोडक्ट्स पे ये QR कोड होता है जिसको आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी भी देख सकते हो। वाओ का एक ऐप भी है जिससे आप सीमलेस शॉपिंग कर सकते हैं एंड मेरा कूपन कोड इज प्रमोद रावत में, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ वाओ के ऐप पे, याद रखना। तो गाइज अगर वैसे आपको प्रोडक्ट्स खरीदने ना तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पे भी मिलते हैं, लेकिन वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको कूपन कोड यूज नहीं होगा। तो लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फटाफट जाओ और वाओ स्किन साइंस का आमला हेयर ऑयल जाके अभी खरीदो। एंड हम जिया जी को आज छोड़ने जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि जिया जी जा रहे हैं अपने गांव। दिस इज द बैग जो मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, और जिया जी ये छोटू सा बैग लेके जा रहे हैं। विंटर्स के टाइम पे तब बहुत हरियाली था, अभी देखो थोड़ा गर्मी में थोड़ा सूखा हो जाता है, नॉट सो मच सूखा बिकॉज यहाँ पर बारिश आती रहती है, बट अभी द सिचुएशन इज दिस, सब ऐसे दिखता है गाँव। एंड पिछला टाइम आपने नहीं देखा तो अभी जाके देखो कितना ग्रीनरी था। जिसको नहीं पता है, दिस इज अपना घर। एंड अम्मा को देखो, लोग इतने मेहनती यहाँ पर, हम यहाँ पर हाफने लगते हैं। एंड ये देखो, और अम्मा ओहो था मकान लगवाए खैर आ गया। चलो अम्मा तुम चलो, यहाँ पर अभी तक रोड नहीं आई। देखो ये सब बातें पिछले व्लॉग्स में बहुत हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लो लास्ट ईयर के व्लॉग्स कि यहाँ पर रोड नहीं है एंड कितना डिफिकल्ट है।
अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतना हाफ क्यों रहे, मैं आपको बताता हूँ, हम वहाँ से सी वहाँ से ऑल द वे ये पूरा पहाड़ चढ़ के यहाँ से यहाँ आए हैं विथ दिस लगेज। इतना ही अभी थोड़ा इसका 40% और बचा हुआ है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि जीजू तो यहाँ से चले जाएंगे लेकिन मेरे को वापस नीचे आना है सामान लेके वापस। बट स्टिल जहाँ भी जाओ वहाँ से अभी यहाँ से भी व्यू देखो, दिस इज अमेजिंग। तो कोई गम नहीं है भाई। ये देखो ये सब भी गाँव है इधर, ये सब भी गाँव है इधर, यहाँ भी रोड नहीं है। सोचो सर रोड की बात तो पिछले साल के व्लॉग देख लो, बहुत बातें हुई है, बट ये व्यू के मजे लो। मेरा हाथ कांप रहा है तो यहाँ पर यही होता है। हाँ ये चीज़ है कि हवा ठंडी होती है, तो दिस इज चिल लाइफ ऑफ गाँव। एंड यहाँ के चप्पल दिखाता हूँ मैं, यहाँ के चप्पल दिस आर वेरी फेमस। यहाँ पर हमारे चप्पल नहीं चलेंगे, ये बाथरूम चप्पल ही चलते हैं यहाँ पर। रफ एंड टफ, मेरे वो फ्लिप फ्लॉप्स टूट गए गाँव में आके। एंड फाइनली ऊपर हम पहुँच गए हैं, तो गाड़ी यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती है, बस नीचे खड्डे में नहीं लेके जा सकते हम पहाड़ के नीचे। एंड यहाँ पर दिस इज द चेक पोस्ट, इनको भी लेट अक्कल आई है जब केसेस बढ़ गए हैं, वरना पहले कोई चेकिंग नहीं थी। एंड टॉप से दिस इज द व्यू, वाओ यहाँ पर दुकान, दिस इज 360 व्यू अपना एंड क्लाउड्स देखो, वाओ। एंड मैं आपको व्यू इतना इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आप लॉकडाउन में अगर सिटी में है तो बोर हो गए होंगे, तो आप मेरी शक्ल देखना तो पसंद नहीं करोगे, तो इसीलिए व्यू ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि आप मेरे को गाली ना दे कि अपनी शक्ल छोड़ के दिखा। यार आपके आँखों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए ना। एंड ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर बाइक होनी चाहिए थी हमारे पास एक गाड़ी के बदले। एंड किसी को एड्रेस चाहिए तो ये है। देखो गांव में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था मास्क, बट यार ऊपर आ जाओ ना तो मास्क लगाना चाहिए बिकॉज फाइन मार रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी लगाना चाहिए। और सीट बेल्ट टू, चलो। ओह तो सफर की शुरुआत करने से बोलते गणपति बप्पा This is अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे। पुलिस की गाड़ी आ गई थी। कोई नहीं, दिस व्यू इज सो अमेजिंग। यार ये पहाड़ में ज्यादा गाड़ी चलाने मजा आता है कि सिटी में? पहाड़ में। पर इधर स्पीड नहीं जाता ना ज्यादा, ये देखो स्पीड नहीं जाता लेकिन हाँ मैक्सिमम 35-40, वो भी अभी स्लोप है इसीलिए, वरना चढ़ाई में 35-30 के ऊपर नहीं जाता। एंड आज यहाँ पर भी लॉकडाउन है तो पूरा मार्केट बंद है, सारी एसेंशियल चीज़ें खाली खुली है। देखो यहाँ तक लॉकडाउन हो गया तो सिटीज़ की हालत क्या होगी, आई कैन ओनली इमेजिन, यू कैन सी इट। देखो सब बंद है, तो मार्केट इज सुनसान यार। एक दुकान खुला है, फोटो स्टूडियो यार, क्या किराना स्टोर। हाँ है 2 किलो मिट्टल। और यहाँ पर ये गेहूँ धोने का प्रोसेस हो रहा है। ये अम्मा हमारी, ये अम्मा। हाँ आपको पता था क्या गेहूँ भी धोते हैं? मेरे को पहली बार पता चला है। अबे मैं तो नहीं पता था, मैंने ही नहीं भेज दिन दी। हाँ ये देखो दिस इज द प्रोसेस साफ करने का, पूरा मट्टी ऊपर आ गया देखो। वाओ नानी नाम क्या छे? किले शर्मा मा ओले नो क्या नाच मा दे, क्या नाम छे? त्यार तन्नू तन्नू, नमस्कार तन्नू, नमस्कार तो बोल ले।
आया। चलो अब जीजू छोड़ के जा रहे हैं हमको। चलो भाई। और ये हमारा सामान है, अब हमको जाना है भाई। चलो अम्मा बाय बाय। चल दिला अम्मा, घाम भी हूँ। माई हालत इज नॉट सो गुड बिकॉज यहाँ पर धूप है। क्या थैला? ये बूजी इधर दीवार डाल रहे देखो पहाड़ के लिए। एंड बूजी शक्ल दिखाओ अपना। बूजी हमारे अक्षय कुमार जैसे दिखते हैं। और ये दूसरे बूजी है। और बूजी के बाल है संजय दत्त जैसे देखो। यो ठीक है, मेरी डिमांड हो जाएगी ना। डिमांड एक अक्षय कुमार है, एक संजय दत्त है, ये दोनों भाई। दो सामान और ऐड हो गए अभी। अभी दिस इज द रास्ता जाने के लिए। एंड अभी हम मिलेंगे आपको बाद में नीचे जाके। लेट्स गो एंड वॉक, फटाफट भागते बिकॉज धूप बहुत ज्यादा है यार। चलो 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 चलो। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे हमारी चाय पार्टी चल रही है। ऊपर नीला आसमां, नीचे लाल मम्मी। मम्मी का हालत मीठा बन दिया। और यहाँ पे हमारी चाय पार्टी। डैडी ओ अम्मा ठीक ठाक? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये प्रियांशु, आप मुंडी बांध के बैठे हो ऐसे तो? गांव में हो ना मैं। हाँ तो गांव सही है ना, गांव में ऐसी ठंडी है। ऊपर देखो धूप आ नहीं रही है, सर तो बांधना ही पड़ेगा ना। सही बात है, इधर बहुत अभी जोरदार बारिश हुई है इसीलिए पूरा आसमान का हालत ऐसे हो गया देखो। वाह, बेस्ट पार्ट है इसकी शाम को यहाँ पर चाय नाश्ता और ये व्यू। वाओ व्यू देखना है आपको। यो यो ये देखो, मैं ये देखो टमाटर कैसे लगे हमारे आंगन में। मम्मी ने टमाटर भी लगा दिए। ये प्रियांशु है मेरी ईरानी चाय, बाकी लोग नॉर्मल चाय पीते हैं। ये तनुली। ओ अम्मा लग रहा चाय सड़ाक। और ये दीदी बोल रही है मेरे को मत लेना। दीदी का तबीयत थोड़ा सा खराब, डाउन है, थोड़ा बुखार है। नहीं है बुखार नहीं है, सर्दी। कोरोना नहीं है, टेंशन नहीं। ठंडी लग रही थी तो मैंने, इतना ठंडी लग रहा है स्वेटर पहना है। और ये चाय अपन पी के खत्म करते हैं। ये है भैंस जिंदगी। अरे अरे डरा दिया। मैं स्लिप होने वाला था। ये है भैंस जिंदगी, ये थोड़ी जिंदगी उसका बेटा बच्चा। और इस पे अगर तुम हाथ लगाओगे तो वो देखो मारने आएगा। अरे नहीं मार रहा हूँ मैं उसको, प्यार कर रहा हूँ भाई। ये अम्मा का भैंस है। नहीं ये हम, ये अम्मा वहाँ से बोल रही है कि उस पे लगो मत, वो मारने आता है। एंड अम्मा उसके लिए घास लेकर आ रही है। और ये ज्यादा भड़क जाएगा ना तो ये रस्सी तोड़ के भी आ सकता है। ये वो अम्मा का वो वाला है। तो कोई बात नहीं ना, सब अम्मा के ही है। सब अम्मा का ही है। ये भी अम्मा के बैल है जो कि चारा खाते हुए, ये मारता नहीं है पर ये वाला मारता है भाई। ये खतरनाक वाला बैल है, ये मारता है। तन्ना को उस दिन उड़ा दिया था ना। कुछ भी ऊपर वाले गांव से नीचे वाले। हाँ, ये तन्ना को यहाँ से फेंका था सीधा नीचे। अच्छा अब मुझे पता चला परी मामा कहानियां वाला। दिस इज आर गांव और वो हमारा घर। और ये जगह पे कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी उसके बारे में प्रिया। मतलब हाँ क्या हुई थी बता बता परी। वहीं पे जाके दिखाते हैं कहाँ पे। यहीं पे हुआ था, ये जगह है। हाँ क्या हुआ था बता। मैं चल रहा था आगे, सबसे आगे ऐसे मजे में एकदम। यहाँ पे कोई होल है उसमें से इतना बड़ा सांप गिरा मेरे पैर पे सीधा। और दो सेकंड तक उधर ही रहा। मैं नीचे देखा और चिल्लाया सांप, तब ये दोनों भी डर गए। और मैं एकदम सुन ऐसे ही खड़ा रहा वैसे। 5 सेकंड तक ऐसे ही था, फिर जैसे ही वो नीचे गया तब मैं थोड़ा अच्छा। फिर सब लोग साथ में। हाँ सब लोग साथ में भागते हुए नीचे गए। मतलब इसके पैर पे आके सांप गिरा, ये 2 मिनट के लिए फ्रीज हो गया और हम दोनों भी पीछे फ्रीज हो गए। हम लोग बोले करे क्या, फिर खुद भाग गया सांप। ऐसा कुछ किया नहीं एकदम ना भाई, ऐसे लकड़ी करके हीरो पंती दिखाता था। हमने बोला भी था हम आगे चलते हैं कुछ हो जाएगा, एकदम नहीं मैं नीचे मैं। हाँ कुछ हीरो बन रहा था। हो गया बस। इधर सारी बकरियां चर रही है। प्रियांशु देखो बाकी चीज से डरता है, बकरियों के पास ही जा रहा है। कल मुर्गी से भी डर रहा था।
मुर्गी से डर रहा था कब भाई? बस बकरी पे ही भरो। बकरी के चक्कर में नीचे मत चले जाना तू। ये वाली अच्छी बकरी है, ये सबसे बकरी सबसे छोटी बकरी थी ये काली वाली, अभी नहीं रही, अभी दो छोटी बकरी और आ गई। चलो अभी परिवार हमको एक मैजिक दिखा। ये कोई आम बकरी नहीं है, इसको अगर पूछोगे बकरी अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, जून के पहले कौन सा महीना आता है, मुझ में और आप में से बकरी कौन है? ये देखो पेड़ काट के लेके आया भाई अपना, जाओ 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 जाओ। और ये इतने पतले रास्ते हैं, देखो इतना घास लेके जा रहे हैं। या कि जाओ यार हम जरा एक दिन तक जाओ। और रास्ता भी कैसा है, पत्थर पर रास्ता भी कैसा है देखो एकदम। एंड गाइस इम्पोर्टेंट चीज, वैक्सीनेशन के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं करवाया ना तो प्लीज जाओ फटाफट जाओ रजिस्टर करवा लो एंड वैक्सीन लगवा लो, बिकॉज द वेव इज खतरनाक सेकेंड वाला। हाँ यहाँ पर ये चिड़िया की आवाज सो पीसफुल ना, और चिड़ियों की आवाज आ रही है और दो बंदर मेरे साथ है। दो बंदर मेरे साथ है, एक बंदर हमारे साथ है। पता है अभी क्या होने वाला था, परी मामा का फोन गिरता नीचे। अभी यहाँ से पहाड़ से नीचे मेरा फोन जाने वाला था, यहाँ पर मैंने पकड़ के रखा था, हम यहाँ पर बैठे थे, से जाता अभी नीचे। मैं तो बोल रहा था अच्छा होता अगर चले जाता तो फोन से छुटकारा मिलता परी मामा को, दिन भर फोन पे ही लगे रहते। अभी और कुछ तेरी बात कर रहा है कि मेरी, कुछ भी बोलता है है ना, तो ना कुछ भी बोलता है ना भाई। नहीं आ रहा किसकी बात हो रही है, क्योंकि दोनों फोन पे लगे रहते हैं, मैं एक बेचारी घूमती रहती हूँ। ये सबसे बड़ी झूठी है, झूठी। यस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराओ एंड फटाफट वैक्सीन लगा लो। यहाँ पे मम्मी डैडी ने तो लगवा भी लिया है, मैंने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है, आप भी करवाओ जाके। और यहाँ का सनसेट इज सो अमेजिंग, ये अभी थोड़े बादल आ गए इस पे वरना ये बहुत सही लगता है। कल हम आए थे इधर, कहाँ कल हम आए थे तो बहुत अमेजिंग सा आ रहा था, ये देखो वाह। और ये रेज निकलते हुए एंड दिस इज द बादल का हालत, अभी वापस से बारिश आने वाला लगता है। ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग गाइस इज कि अभी इट इज़ द टाइम की एक दूसरे की मदद करने की, तो प्लीज़ एक दूसरे की मदद करके रहो और अपने दोस्तों को पूछते रहो, एंड अगर कोई हेल्प के लिए मांगे तो ऐसे सिचुएशन में हेल्प करो, एंड थोड़े से भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड ऑफ द डे। पॉजिटिव रहना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइम पर, बिकॉज कैसा होता है ना कि तुम बीमारी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा तुमको, बट टेंशन से या सोच सोच के ज़्यादा बीमार पड़ोगे तुम। इस बीमारी का एक ही इलाज है कि स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, है ना। तो ना हम टेंशन ले रहे नहीं, स्टे पॉजिटिव बट नॉट कोरोना वाला पॉजिटिव, थोड़ा दिल से खुश रहो एंड अपनी फैमिली का ध्यान दो। दिस इज़ द टाइम जब मिलजुल के रहने का टाइम है, बिकॉज यहाँ पर पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं। अभी एक दूसरे की हेल्प करोगे वैसे ही चैन से रह सकते हो आप, और सही है ना, फैमिली के साथ रहो, इन्जॉय करो, टाइम स्पेंड करो, स्ट्रेस फ्री रहो, मेरे व्लॉग्स देखो, नज़ारे का मजे लो। भाई भी पीछे ऐसे कर रहा था बॉलिंग, ठीक है बस यही था। और मेरे भी व्लॉग्स देखो, इसके मत देखो, ये बहुत इरेगुलर बंदा है। इसके इरेगुलर कौन है, इसके मत देखो, इरेगुलर को बोल बोल के थक गया मैं शूट करो। बट ओ देखो मैं कैसे खेत में खड़ा हुआ हूँ, मिर्च की डंडिया है, दिस इज मिर्ची की डंडिया एंड दिस इज अपना व्यू एंड दिस इज तन्ना एंड दिस इज सनसेट। और ये अभी बादल आ गए, मतलब बारिश आने वाला है, शाम हो गया है ना। तो बोलो कि क्या हम व्लॉग एंड कैसे करते हैं। सो गाइस हाँ, कमेंट पे प्लीज बताते रहो अगर आपको ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ के व्लॉग्स भी चाहिए, एंड अच्छा, बहुत कुछ है गांव में दिखाने के लिए। अभी तक आप एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट में बताओ, ऐसे ही चाहिए तो कमेंट में बताओ, बताते रहोगे। या तो फिर अगर आप गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो या पहाड़ कहीं से हो, तो आपकी कुछ पर्सनल इच्छा है कुछ चीज़ें देखने की, तो प्लीज़ वो भी कमेंट में बताओ। टिल देन की आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा।
और अगर मजा आया तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल प्रमोद रावत। याद है ना, चलो 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 कहीं गिर गया मैं। चलो 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 यार, ये बीच में आ गए तीन डंडिया। परिवार में का नसीब खराब है, पहले भैंस आके मार रही थी अभी गिर गए। डंडी पे कैसे गिरे ये डंडी, तीन बार इधर फिसले परिवार में। हां पहाड़ से नीचे जाने वाले थे, अभी तीसरी बार तो गिर ही गए।